हेलो दोस्तों, मिथिला में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज चुका हूँ मैं आप सभी के लिए लेकर सहरसा फॉरबिसगंज रेल लाइन का एक बहुत ही बढ़िया इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट, जो कि आप सभी का मांग था। दोस्तों, मैं जो आप सभी को जो है सहरसा से लेकर ललितग्राम के बीच के जो है काफ़ी सारे अपडेट्स दे चुका हूँ इलेक्ट्रिफिकेशन के, और वहाँ के जो है मतलब ऑलमोस्ट जो है काम कम्प्लीट दिखा चुका हूँ आप सभी को। और अब जो सब कमेंट कर रहे थे कि ललितग्राम से लेकर फॉरबिसगंज के बीच का जो अपडेट दिखाइए कि इधर जो है कैसा काम हुआ है, इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है या नहीं, तो देखिए आप सभी की डिमांड पे जो है ये वीडियो लेके आया हूँ। आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, लेकिन पहले ये वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, अभी मैं जिस जगह पे हूँ ये जो है छातापुर रोड होल्ट है, जो कि जैसे कि हम ललितग्राम से आगे ट्रेन जो है घूमता है नरपतगंज की तरफ, उसी के बीच में जो है ये पड़ता है छातापुर रोड होल्ट। आपसे दोस्तों सामने जो स्टेशन का बोर्ड लगा हुआ है, और जैसे कि मैं आप सभी को यहीं पे दिखाने वाला हूँ आज की यहाँ का जो है इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट हुआ है या नहीं। तो दोस्तों आप लोग पूरा कि इलेक्ट्रिफिकेशन काम जो है इधर जो है कंप्लीट है। छोटा सा हॉल्ट है, एक प्लेटफॉर्म है, एक रेलवे ट्रैक है, सिर्फ कुछ ही ट्रेन जो है आकर रुकती है, कोई एक्सप्रेस ट्रेन नहीं, कुछ नहीं। तो अभी देखिए आप सभी को यहीं दिखा रहा हूँ कि यहाँ का भी जो दोस्तों इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क जो है पूरा कम्प्लीट हो चुका है। देखिए उधर मैं अपनी बाइक जो है उधर लगाया हूँ प्लेटफॉर्म पे, बड़ा अच्छा रास्ता है, मतलब सीधा रोड से जो है पूरा प्लेटफॉर्म जुड़ा हुआ है। सोचिए इतना जुड़ा हुआ है कि मेरा बाइक जो है पूरा प्लेटफॉर्म पे आ चुका है। वहाँ मैंने शेड में जो है डाल दिया है, छोटा सा शेड है एक। तो ये देखिए यहीं था ये स्टेशन। और दोस्तों बहुत जल्द जो है इसके आगे भी कुछ से छोटे मोटे हॉल्ट है, वहाँ की अपडेट मैं आप सभी को जरूर दिखाऊंगा। यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी के लिए जो है इतना मेहनत करके जो है इतना दूर दूर जाकर जो है वीडियो बनाते हैं। अभी जैसे कि मैं फॉरबिसगंज जा रहा था, तो मैं से क्यों एक बार जो है भीमपुर से थोड़ा सा इधर घूम के जो है करीब जो है भीमपुर जो है यहाँ NH पे पड़ता है भीमपुर, तो भीमपुर से जब मैं इस साइड आ गया 2-3 किलोमीटर अंदर जो है यहाँ का ये स्टेशन है। तो चलिए यहाँ का भी आप सभी को अपडेट दिखाई दिया। एक भाई ऐसे स्टेशन में मुझे सबसे खास बात ये लगता है कि एक छोटा सा रेलवे ट्रैक है प्यारा सा, और इसके पूरा साइड में हरियाली हरियाली, मतलब देखिए दूर दूर तक कोई घर नहीं है, उस साइड भी पूरा देखिए खेतों में फसल है बस, और इधर भी जो है ये पटवा है शायद, तो देखिए बस फसल फसल है, और एक प्यारा सा रेलवे ट्रैक है, एक स्टेशन है। सामने जो है छोटा सा टिकट काउंटर भी है, अभी चलते हैं आगे आपसे दिखाता हूँ। ये है छातापुर रोड हॉल्ट, इसके आगे जो है देवीगंज नरपतगंज ये सब है, तो उनके भी अपडेट्स आप सभी को दिखाने की कोशिश करूँगा। वैसे नरपतगंज का अपडेट दिखाने की जरूरत नहीं है, वो हमारे चैनल पर पहले से है, काफ़ी पहले जो है वहाँ का काम कम्प्लीट हो चुका था, लेकिन बीच में जो कुछ ऐसे छोटे मोटे हॉल छूट गए थे उसका भी अपडेट जो है आप सभी को आज कम्प्लीट दिखाई दिया कि देख लीजिए दोस्तों यहाँ का भी इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क जो है कम्प्लीट हो चुका है। अभी जो है दोस्तों शो कर रहा है कि सहरसा से फॉरबिसगंज रेल लाइन जो है 100% इलेक्ट्रिफाइड हो चुका है, और लेकिन मैं आप सभी को अभी कुछ दिनों बाद जो है एक पुल के अपडेट्स दूंगा। आपसे बताया था कि जो नए नए पुल बने हैं उन पर जो है काम नहीं हुआ है, तो उनके अपडेट्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत जल्द जो है हमारे चैनल पर आप सभी को जो है उनका भी अपडेट्स जो है देखने को मिल जाएगा। देखिए प्रॉपर इलेक्ट्रिफाइड रेल लाइन, उम्मीद करते हैं बहुत जल्द जो है मेमू ट्रेन जो है चले। तो दोस्तों कैसा लगा आप सभी को हमारा वीडियो, हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा, और आगे आप सभी को दोस्तों कौन सा वीडियो चाहिए हमें कमेंट में लिख दीजिएगा वो भी, क्योंकि जिस टाइप की आप वीडियो का डिमांड करेंगे मैं ट्राई करूंगा कि मैं उसी तरह का वीडियो बना सकूं। और इधर देखिए हमारा जो है बाइक लगा हुआ है साइड में, बाइक पूरा प्लेटफॉर्म पर ले आया हूं। चलो दोस्तों मिलता हूं आपसे बहुत जल्द हमारे एक और नए वीडियो पर एक और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।